फ्रेंड्स वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं इकोनॉमिक्स का। डिफेंड इकोनॉमिक्स का ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर छठा होगा। इससे पहले हम पांच प्रैक्टिस सेट लगा दिए हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम, ठीक है, इससे पहले अगर किसी ने वो पांच प्रैक्टिस सेट ना देखे हो तो इकोनॉमिक्स के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी इंडियन इकोनॉमिक्स के नाम से, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और इस पार्ट में, पार्ट नंबर छठे में हम देखेंगे जो भारत में खनिज उत्पादन है, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे जो भारत में ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा संसाधन वगैरह कहाँ से क्या है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इंडियन इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यही हम पढ़ेंगे कहाँ जाके, इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए ध्यान से, ठीक है, यही टर्म वगैरह इंडियन ज्योग्राफी में भी यूज होती है, ठीक है, कई बार डाटा पूछ लिया जाता है। चलिए वेरी पहला ही क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई थी? 1951 में, ठीक है। आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा 2008 में की गई थी। आगे देखिए भारत में टिन उत्पादन में नंबर वन राज्य बताना है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये यूपीपीएससी में कई बार मिलान करने के लिए पूछा है, और ग्रुप डी में सी द फैक्ट के रूप में, ठीक है। तो टिन उत्पादन में नंबर वन है छत्तीसगढ़, ठीक है। स्वर्ण मुख्यतः पाया जाता था ये कोलार की खान, ठीक है, कहाँ पर? कर्नाटक में, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पन्ना हीरे के लिए, कटनी सीमेंट वगैरह के लिए, खेतड़ी राजस्थान में, तांबा उत्पादन के लिए, हट्टी, ठीक है, हट्टी सोने की खाने, तो ये कर्नाटक में ही है, ठीक है, कोलार और हट्टी की खाने। आगे देखिए, वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में भारत में एकमात्र टंगस्टन, तो ये टंगस्टन मिलता है कहाँ पर? ये डेढ़गाना से, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है? तो ये अबरक, ठीक है, अबरक उत्पादन में इंडिया नंबर वन है, लगभग इतना 60% अबरक अपने इंडिया से प्रोवाइड होता है पूरे विश्व में, ठीक है। और ये अबरक उत्पादन में आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे देखिए, किस खनिज में भारत विश्व में एकाधिकार है? तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बना, तो खनिज उत्पादन है अबरक, ठीक है, अबरक में भारत का एकाधिकार है, अबरक मिलता है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। आगे देखिए, खनिज पदार्थों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान है? तो सबसे ज़्यादा खनिज संस्था वगैरह कहाँ है? तो ये झारखंड, ठीक है, झारखंड खनिज उत्पादनों में नंबर वन है। आगे देखिए, भारत को किस देश से लोहा अयस्क निर्यात करता है? तो भारत लोहा अयस्क भेजता है कहाँ पर? जापान में, ठीक है, जापान को भेजता है लोहा अयस्क, ठीक है। तो हीरे की खान है तो ये बता दिया, मध्य प्रदेश के पन्ना में है, ठीक है। आगे देखिए, भारत लोहा का आयात नहीं करता, ठीक है। यहाँ पूछा है भारत किसका आयात नहीं करता? तो पेट्रोलियम वगैरह खरीदता, मशीनरी चीज़ खरीदता, सोना भी खरीदता भारत, लेकिन भारत लोहा एस्क खरीदता नहीं है बल्कि जापान को भेजता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, विश्व में अबरक तो बता दिया, 60% अपने इंडिया में होता है अबरक, ठीक है। सबसे ज़्यादा सोना भारत में खपत होती है, सोने की, देखा होगा आपने, ठीक है। विश्व में कुल स्वर्ण खपत भारत में 26%, ठीक है, 26% विश्व में खपत होती है भारत में सोने की, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा किस देश में होती है, तो इंडिया में, ठीक है, और वो भी कितना परसेंट? 26%। कोलार तो ये बता दिया, कोलार की खाने, हट्टी की खाने कर्नाटक में है, ठीक है। आगे देखिए, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी स्थापित की गई है? तो ये सिरपुर में, ठीक है। और क्वेश्चन ये है, पहली स्वर्ण रिफाइनरी लगाई गई कहाँ पर? सिरपुर में। और आप कमेंट बॉक्स में ये बताना सिरपुर कहाँ पड़ता है ये, ठीक है, देखता हूँ मैं। आप हीरा, ठीक है, तो हीरा संस्थान है सूरत में, ठीक है। और सूरत कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। आगे देखिए, इसमें लगभग 60 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में ऐसे किस राज्य में तांबा तो मैंने बता दिया ना, खेतड़ी की खाने तांबा में है, ठीक है, खेतड़ी की खाने राजस्थान में है, तांबा में नहीं, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत मात्रा मिलता है? ये मोनोजाइट, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रुप सी डी का और यूपीपीसीएस का पालतू क्वेश्चन है, ये मिलान करने के लिए कई बार पूछा है, ठीक है। आगे देखिए, वैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? तो ये राज्य सरकार का, ठीक है। मान लो कहीं खनिज संपदा वगैरह किसी राज्य में है, तो वो राज्य सरकार के अंतर्गत आएगा। आगे देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में हीरे की खाने कहाँ है? ठीक है, तो ये पन्ना में है, बता दिया, मध्य प्रदेश में पन्ना पड़ता है ये। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस? तो ये राजस्थान में है एस्बेस्टस, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, भारतवर्ष में प्रथम हाइड्रल पावर
कॉरपोरेशन, ठीक है ना। तो भारत में प्रथम हाइड्रल नहीं है ये, हाइड्रो पावर पावर कॉरपोरेशन होगा तो ये है कर्नाटक के शिव समुद्रम में, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना तो ये उड़ीसा में है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बगलियार, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो ये बगलियार, ठीक है। दुलस्ती वगैरह ये सब चिनाब नदी पर हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पूछने की कोशिश कर रहा है, कई बार ये पूछा है बगलियार कहाँ किस नदी पर है, तो ये चिनाब वगैरह नदी पर, ठीक है। बगलियार परियोजना चिनाब नदी वगैरह पर है, और यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जो बगलियार परियोजना हमने हमारे इंडिया ने चला रखी है, तो इसमें से किस देश को आपत्ति है, ठीक है। ये बी दो बार टाइप हो गया है, तो पाकिस्तान को आपत्ति है, ठीक है। बगलियार परियोजना से पाकिस्तान को प्रॉब्लम है, ठीक है। ताला परियोजना हमारे देश की है, और इस ताला परियोजना से दिक्कत आ रही है किसको, भूटान वालों को, ठीक है। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत 5वें नंबर पर है, पवन ऊर्जा उत्पादन में नंबर 1 पर अमेरिका है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ऊर्जा का व्यापारिक स्रोत नहीं है, तो ये बायोगैस कोई व्यापारिक स्रोत नहीं है ऊर्जा का। भारत में किस राज्य में विद्युत परियोजना सबसे ज़्यादा है, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा परियोजना किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र याद रखना, ठीक है, महाराष्ट्र। आगे देखिए, भारत में किस प्रकार की विद्युत सर्वाधिक उत्पादन होती है, तो भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत बनाई जाती है, यानी कि बिजली बनाई जाती है ताप विद्युत के द्वारा, यानी कि तापीय ऊर्जा, ठीक है। आगे देखिए, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था, तो 1948 में। आगे देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग की गठन, ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, तो ये 1948, ठीक है। और यहाँ देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा है, ठीक है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1948 में। ये क्वेश्चन ऐसे भी दो बार पूछा है, ठीक है, इसीलिए ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये लोरी बॉब क्वेश्चन है, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान या फिर वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कब बनाया गया था, तो ये 1957 में, ठीक है। और ये कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ठीक है। कैगा परियोजना, ठीक है, तो ये कर्नाटक में, UBPSL में कई बार पूछिए। रावत वाटा ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान में है, ठीक है। कल्पक्कम अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये तमिलनाडु की परियोजना है, ठीक है। परियोजना का मतलब तमिलनाडु में पड़ती है, कल्पक्कम परमाणु उपक्रम स्थित है, तो ये तमिलनाडु में, ठीक है, या फिर कल्पक्कम तमिलनाडु में लगाया गया है, ऐसे याद रखना। निम्नलिखित में से किस देश की अपनी सभी सरकार सभी नाम के ऊर्जा संयंत्र को बंद करने का आदेश दिया, तो जर्मनी ने, ठीक है। आगे देखिए, विश्व में बड़े गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना भारत में कहाँ की जा रही थी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। विश्व में सबसे बड़े गैस आधारित विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया, तो ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कैथलगुड़ी गैस पाइपलाइन, ठीक है, या फिर गैस विद्युत परियोजना, तो ये असम की है, ठीक है, कैथलगुड़ी याद रखना। वाणिज्यिक, ठीक है, वाणिज्यिक स्तर पर प्रथम सौर ऊर्जा परियोजना, तो ये जैसलमेर में चलाई जा रही है या फिर लगाई गई है, ठीक है, कैसे भी याद कर लो, बस याद कर लो आप। आगे देखिए, विश्व में सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है, तो ये सऊदी अरब, ठीक है। आगे देखिए, भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना % आयात करता है, तो भारत 2/3, ठीक है, 2/3 मतलब 70% भारत जो तेल या फिर पेट्रोल वगैरह खरीदता है, ठीक है, याद रखना। ये देखिए, पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री के लिए पेट्रोकार्ड, तो ये BPCL द्वारा जारी किया जाता है। कलोल, ठीक है, कलोल खनिज एल, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। कलोल खनिज उत्खनन क्षेत्र किस राज्य में है, तो ये है गुजरात में, ठीक है। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल, तो ये है मुंबई अपतट क्षेत्र, ठीक है। मंगला, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ऊट पटांग क्वेश्चनों की श्रेणी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। मंगला क्या है, ठीक है, तो ये राजस्थान में एक तो ये तेल के कुएं का नाम है, ठीक है। UBPSL हो या फिर ग्रुप CD का एग्जाम हो, तो ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन एक बार डाल दिया जाता है, ठीक है, एक आधा क्वेश्चन ऐसा दिमाग को घुमाने के लिए। आगे देखिए, भारत में सबसे पहले तेल का कुआं असम के डिगबोई में खोजा गया था या फिर खोदा गया था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में तेल के विशाल भंडार, तो ये बाड़मेर में पाए गए हैं, ठीक है। आगे देखिए, विश्व में खनिज तेल की सबसे ज़्यादा खपत, तो ये USA में होती है।
आगे देखिए, खनिज तेल खपत की दृष्टि से चाइना दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, आगे देखिए, ये मैंने बता दिया। ठीक है, भारत अपनी खनिज तेल की आवश्यकता का लगभग कितना परसेंट आयात करता है? ये 70% तेल भारत बाहर से खरीदता है। ठीक है, कृष्ण क्रांति ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई जगह ये ब्लैक रेवोल्यूशन भी लिखा मिलेगा, तो ये खनिज तेल उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में संभावित तेल क्षेत्र है तो तमिलनाडु में भी है, हल्का फुल्का राजस्थान और असम में भी है। ठीक है, तो ये उपरोक्त सभी आंसर है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है, तो पेट्रोल उत्पादकों का संग्रहण करना यानी कि पेट्रोल उत्पादकों को इकट्ठा करना। आगे देखिए, भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली स्थापित की गई है, तो ये मणिकरण में की गई है। ठीक है, आगे देखिए, विश्व में कोयला, ठीक है, कोयला उत्पादन में नंबर वन है चीन, ठीक है, और भारत का नंबर है तीसरा। ये देखिए, भारत का नंबर आता है तीसरा कोयला उत्पादन में। ठीक है, लिग्नाइट कोयला ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तमिलनाडु में, और ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में कोयले के सबसे मोटी, ठीक है, मोटी पतल पाई जाती है, तो ये सिंगरौली में। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाया है, ये मोटी होना चाहिए। ठीक है, ये मोटी नहीं है, ये मोटी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि भारत में सबसे जो मोटी परत वाला कोयला या फिर पटल वाला कोयला, ये सिंगरौली में मिलता है। ठीक है, देश के व्यावसायिक ऊर्जा में, ठीक है, व्यावसायिक ऊर्जा में खपत में कोयले का योगदान 67% है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में कुल उत्पादित विद्युत परमाणु शक्ति, ठीक है, विद्युत परमाणु शक्ति से कितनी ऊर्जा उत्पादन होती है? तो 4% हम डिपेंड करते हैं विद्युत परमाणु ऊर्जा पर। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित कोयला क्षेत्र में किसका कोयला भंडार सबसे अधिक है? तो ये झरिया। ठीक है, ग्रामीण विद्युत निगम की स्थापना 1969 में की गई थी। भारत में लिग्नाइट कोयला तो तमिलनाडु मिलता, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोडनकुलम तो ये बता दिया, तमिलनाडु की परियोजना है ये। तरल, ठीक है, तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? तो ये पेट्रोलियम। ठीक है, तरल स्वर्ण यानी कि पेट्रोलियम। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एनर्जी एसटी, ठीक है, तो चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, थोड़ा पानी वानी पिया। छठा नंबर देख रहे थे ना, तो यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन एनर्जी स्टैटिक्स नामक प्रकाशन समय पर निकालता है? ठीक है, ये दो बार समय नहीं है, ठीक है, ये दो ही बार है। ठीक है, स्टैटिक प्रकाशन नामक समय समय पर कौन निकालता है? ठीक है, या ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एनर्जी स्टैटिक्स नामक पत्रिका है या जो भी है, तो ये कौन निकालता है? ये निकालती है CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? ये 2001 में। आगे देखिए, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा 10% कोयला पूर्ति करता है, तो ये 67%। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी बना है। ठीक है, 67% कोयले डिपेंड है हम। ठीक है, आगे देखिए, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये तापीय ऊर्जा। ठीक है, आगे देखिए, तो ये मैंने बताया था ना, सबसे ज़्यादा परियोजनाएं वगैरह विद्युत परियोजना उत्पन्न करने वाला या फिर विद्युत ताप संयंत्र सबसे ज़्यादा कहाँ लगाए गए हैं? तो ये महाराष्ट्र वगैरह में। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ ले कि विद्युत सबसे ज़्यादा, ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ लगे हैं या ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य है? तो ये है महाराष्ट्र। याद रखना, ताप विद्युत सबसे ज़्यादा उत्पन्न करता है महाराष्ट्र। NTPC ने इनमें से कौन सा नहीं लगाया? तो औरैया में लगाया, जो NTPC ने, ठीक है, गैस संयंत्र आंवला दादरी, ठीक है, और ये डांडा में से NTPC ने नहीं लगाया। ठीक है, आगे देखिए, उड़ान एक गैस आधारित परियोजना है, तो ये महाराष्ट्र की है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु बिजली केंद्र स्थित है? तो ये कल्पक्कम, जो कि पड़ता है तमिलनाडु में। आगे देखिए, भारत में पावर जनरेशन निम्नलिखित में से किस पद्धति के विकास करने के लिए भारत सरकार ने USA के साथ करार किया है? तो ये है परमाणु पावर। ठीक है, परमाणु पावर के लिए भारत ने USA के साथ हाथ मिलाया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से कुडनकुलम, तो ये लगाया गया है रसिया की सहायता से। ठीक है, रसिया की सहायता से लगाया कुडनकुलम परियोजना। आगे देखिए, तमिलनाडु का कुडनकुलम में रूस परमाणु में कितनी इकाइयां लगाने के लिए राजी हुई है? तो 2 इकाइयां लगाएगी। ठीक है, रूस की सहायता से।
ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ है? तो ये खड़कवासला मुंबई हाई संदर्भित करता है, तो ये मुंबई में जो पड़ता है ना अपतट तेल क्षेत्र, ठीक है ना, मुंबई हाई क्या है तो मुंबई का ये अपतटीय तेल क्षेत्र प्रदेश है मुंबई हाई। आगे देखें निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा, क्या बोल रहा हूँ, ऊर्जा है डिफेंस, तो ये है जैव मात्रा ऊर्जा डिफेंस। आगे देखिए पाकिस्तान डैश में विकसित किए जा रहे किशन गंगा परियोजना या फिर किशन गंगा हाइड्रो पावर परियोजना के लिए आपत्ति उठाता, तो ये जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि किशन गंगा परियोजना कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है और पाकिस्तान को इसको लेकर प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन है तलचर किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये भारी जल संयंत्र, ठीक है ना, के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है ना। कई बार ये साइंस में ये पूछ लेता है भारी जल का सूत्र क्या है, तो ये है D2O, ठीक है ना, D2O भारी जल को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आज का पार्ट नंबर छठा, ठीक है ना। तो कंटेंट वगैरह पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है ना। जो नए स्टूडेंट वगैरह हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ साथ हमारी चल रही है कौन सी मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि विपिन चंद्रा और प्लस में स्पेक्ट्रम की बुक से, ठीक है ना। उसके भी लगभग 5-6 पार्ट करा दिए हैं, और ये इकोनॉमिक्स का भी छठा पार्ट था, और इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारे 8 पार्ट हो गए, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए चौहान सर के साथ देखने के लिए ऐसी वीडियो रोज, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।